हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। इसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसका जीरोस का सम 2 गिवन है और प्रोडक्ट करके जीरो, दो जीरोस का प्रोडक्ट करके सम -7 है और उसका प्रोडक्ट है -14। तब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम जीरोस 3 होता है, तो इसमें हम अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो गिवेन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सभी जीरोस का सम गिवेन है 2 और प्रोडक्ट करके सम है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, दो जीरोस का प्रोडक्ट करके सम गिवेन है -7 और सभी का प्रोडक्ट है -14। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो इसे हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक जनरल फार्मूला होता है और एक डायरेक्ट मेथड। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डायरेक्ट फार्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम पुट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7 है, तो इसके स्थान -7 माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। अब ए का वैल्यू जो डिनोमिनेटर में हो, तो इसमें डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, इसलिए हम ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 भी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, देयर ए इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट मेथड है। अभी से हम एक और मेथड सॉल्व करते हैं। तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू है -7 और इसका फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल टू -7। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। फिर है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14 और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है -d/a इज इक्वल टू -14। तो a को फाइंड करने के लिए हम तीनों को देखेंगे। तो इसमें भी डिनोमिनेटर 1 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 1 छुपा हुआ है, इसमें भी डिनोमिनेटर 1 है। तो तीनों में डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए हम a का वैल्यू 1 लेंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -7 एंड d इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 14। अब जनरल फार्मूला होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर सारा इसमें पुट करते हैं, ए का वैल्यू है 1, एक्स क्यूब प्लस बी इज इक्वल टू है माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू माइनस सेवन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सेवन एक्स प्लस 14। तो इससे भी एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन प्लस 14 दोनों सेम है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक ये मेथड हो गया, एक ये मेथड।